Hey guys, welcome back to my new channel. दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में वापस से। दोस्तों आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग फार्म हाउस में मतलब अपने मैं फार्म हाउस में आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पर रूबरू करवाऊँगा आप अपने कुछ जो हमारे पालतू मित्र हैं उनसे। बाकी आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ टाइम मेरे साथ से स्पेंड कीजिए। गाइस आज हवा बहुत चल रही है ठंडी, क्योंकि अब मार्च का महीना आने वाला है इस करके। और यहाँ पे जो हमारा ट्यूबवेल है, देख लीजिए यहाँ से ट्यूबवेल जो जिसे हम खेतों में पानी देते हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल दिखाता हूँ आपको। जो हमारा ट्यूबवेल है ताज़ा था और हम लोगों ने पानी पीते हैं यहाँ से कभी कभार। बाकी तो अंदर में अपने नल वगैरह हैं, मैं आप दिखाता हूँ आपको फार्म हाउस अपना। तो गाइस ये हमारा फार्म हाउस देखने को मिल गया है। ये मेरे लिए दो पीस। और ये हमारी गाय जो अब दूध देती है काफ़ी सारा, ढेर सारा दूध देती है कम से कम 8। मैं दिखाता हूँ ये हमारी बकरी। आप देखो मैंने इसे ठंड के लगती थी इसलिए मैंने इसे कुर्ती भी पहना दी है, स्वेटर वगैरह, ताकि मैंने बोला इसे भी ठंड ना लगे। ऐसे हो देख लीजिए कितना कितना प्यार करती है हमारे से। ये इसका बेटा, बकरी का बेटा है। काफी मजेदार सब बनाया ये इस बारे, हमने इसे पाला बहुत शौक से है। वैसे गाइस मैं इसे शौक से ही रखता हूँ, मैं बेचता बूझता नहीं, बस ये मतलब एक साल का हो गया है। ये बड़ा बड़ा बकरा है इधर अपने, शायद कुछ एरिया में इतने बड़े बड़े नहीं होते जैसे यूपी में और बिहार में इतना बड़ा बकरा नहीं होता। तो इधर ये दूसरी नस्ल है जिसे बिटन बोलते हैं, ये वो नस्ल है और ये काफ़ी बड़ा सा होता है। ये मतलब जो बड़ा हो जाता है 35-40 किलो का हो जाता है लगभग। तो बस आज के ब्लॉग में बस गाइस इतना ही, फिर नए ब्लॉग के साथ मैं आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।